नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और भी अलग अलग पुलिस विभाग के अंतर्गत जो भर्ती होने वाला था, वो लगभग पिछले 5 सालों से चला आ रहा है वो भर्ती प्रक्रिया। और अब बहुत बड़ा एक जजमेंट दिया है कोर्ट ने, और उसमें जो लिखा है उसको पढ़ करके आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, और उससे क्या होगा मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, लगभग 90% चांस है, 90% से भी ज़्यादा चांस है कि फिर से CGSI मेंस का एग्ज़ाम होगा। मैं कई बार बोल रहा हूँ, पिछले कई सारे वीडियोस में बोला हूँ कि छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती का मेंस फिर से हो सकता है, और अब वो हमको होते हुए दिख रहा है। लगभग 95% चांस है कि फिर से एसआई मेंस होगा। क्यों होगा ये लास्ट में बताऊंगा, पहले कोर्ट ने क्या कहा है उसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको बगल में दिख रहा होगा। पहले इंग्लिश में जो है वो उसको बता देता हूँ, क्योंकि कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो इंग्लिश में ही देता है, उसके बाद अपन उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेंगे। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट देयर इज क्लियर कट, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्लियर कट नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स वंस द पोस्ट आर नॉट रिजर्व फॉर वुमेन्स, हाउ द कैंडिडेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट, देयर इज अपेरेंट मिस्टेक ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एंड ऑल्सो कंसिडरिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ द मैटर इट इज डायरेक्टेड दैट द स्टेट सेल री एग्जामिन दिस इशू एंड विल रिमूव एनोमली क्रिएटेड विल कंडक्टिंग द सेलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है, वो है 23/8/2023 को। इसी को अपन हिंदी में समझ लेते हैं, कोर्ट ने क्या कहा है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है तो नियमों का स्पष्ट रूप से गैर अनुपालन होता है, पुरुष उम्मीदवारों की संख्या कम करके उम्मीदवारों की गणना कैसे की जा सकती है, जो प्लाटून कमांडर है उसमें रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट गलती है, और इस पर भी विचार किया जा रहा है। मामले के पहलू पर यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य इस मुद्दे की फिर से जांच करेगी और सुनवाई की अगली तारीख से पहले चयन प्रक्रिया आयोजित करते समय उत्पन्न विसंगतियों को दूर करेगा। इस मामले का जो वो है क्रमांक है वो आप सभी देख सकते हो। देखो एक्चुअल में क्या है, जो प्लाटून कमांडर है उसमें महिलाओं को आरक्षित किया नहीं गया था, महिलाओं के लिए पद ही नहीं था, तो इससे क्या हुआ, आप महिला को तो रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हो ना उसके लिए, प्लाटून कमांडर के लिए। लेकिन पुलिस विभाग ने इस गलती किया और पुलिस विभाग ने इस गलती को माना भी है, जिसके कारण से जो पुरुष उम्मीदवार हैं, लगभग 400 के आसपास उम्मीदवार जो हैं उनको नुकसान हुआ है। तो इससे अब देखो 5-10% का चांस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेंस ना हो सके, 95% चांस है, 90% चांस है कि मेंस होगा एक बार फिर से एसआई का। लेकिन अगर पुलिस विभाग कुछ ऐसा कर ले कि कुछ जो कैंडिडेट है जो छूट गए थे, हम सिर्फ उनको इसके हम कंडक्ट करा दें, पुलिस विभाग कुछ नया प्रपंच खेल दे, कुछ भी तिकड़म कर दे अपना, तो शायद मेंस ना हो, लेकिन 95% से 90% चांस है कि फिर से छत्तीसगढ़ पुलिस का मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसमें कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो पैसा दे चुके हैं लगभग 8-8 लाख के आसपास, ऐसे सुनने में आ रहा है, ठीक है, इसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मुझ तक आया है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। लगभग बता रहे कि 8-8 लाख के आसपास कुछ लोगों ने दिया था, ठीक है, ये कितने हद तक सच है कितना हद तक गलत है ये, इसके ऊपर हम प्रूफ नहीं बता रहे, 100% कन्फर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना है, कोर्ट का जजमेंट बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और अब ये उन लोगों को टेंशन होगा कि जिन्होंने पैसा दिया होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे वो, अब फिर से मेंस होगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि एक एक चीज़ों को अच्छे से जांच करना है, जांच के बाद फिर जो होगा उसका फैसला लिया जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो यहीं तक था, कोर्ट ने जो आदेशित किया है वो उसका आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और आपको क्या लगता है क्या एसआई मेंस फिर से होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।